नाम है मनीषा। स्वागत है आपका कार्ड्यू किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और प्याज की कचौड़ी। इसके लिए हम लेंगे 5 मीडियम साइज के आलू, 5 मीडियम साइज के प्याज, थोड़े से सौंफ, दरदरा पिसा हुआ साबुत धनिया है, अमचूर, अजवैन, 8-10 लौंग लेंगे और 8-10 हम काली मिर्ची लेंगे, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्ची, पुदीना लिया है थोड़ा सा मैंने, ये ड्राइड पुदीना है, आप फ्रेश भी यूज कर सकते हैं। आटे के लिए हम लेंगे 1 कप मैदा, 1/4 कप ऑयल और थोड़ी सी अजवाइन उसमें हम डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। सबसे पहले हम आटा लगाएंगे और साथ ही जो ऑनियन हमने लिया है उसमें आधे ऑनियन को हम चॉप करेंगे और आधे को हम ग्राइंड करेंगे और साथ ही आलू को मैं अच्छे से मैश कर लूंगी। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना आटा गूंदना, मोयन हमने लिया था 25 ml, वो हम इसमें मिक्स करेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ी सी हम अजवाइन लेकर इसको क्रश करके डालेंगे और इसका हम एक डो तैयार करेंगे। पहले इसको थोड़ा सा अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि सभी चीजें आपस में मिल जाए। इसमें मोयन की जो क्वांटिटी होती है वो हम ऐसे ही चेक करते हैं, ये अच्छे से बाइंड होने लग जाता है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। आटा हमारा गूंद कर तैयार हो गया है। ये देखिए इस तरह का आटा हमें चाहिए होगा। इसको हम थोड़ी देर के लिए ढककर रख देते हैं, जब तक हम अपना मसाला बना लेते हैं तो आटा भी हमारा सेट हो जाएगा। मसाले के लिए आलू को हमने अच्छे से पीस लिया है, बिल्कुल बारीक इसको हम पीसेंगे और आधे प्याज को मैंने चॉप किया है, इसको बहुत ही अच्छा चॉप करना है और आधे प्याज को हमने ग्राइंड कर लिया है और ये जो लौंग और काली मिर्च थी इसको मैंने दरदरा पीस लिया है। चलिए अब शुरू करते हैं अपना मसाला बनाना। एक कढ़ाई में हम 2 टेबल स्पून तेल गरम करेंगे। तेल हमारा गरम हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़े से सौंफ, लौंग और काली मिर्ची जो हमने ली थी पिसी हुई ये इसी में डालेंगे और अब इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ ऑनियन। लगभग 1 मिनट के बाद इसमें हम जो बारीक कटी हुई हरी मिर्ची थी वो भी इसी में हम ऐड करेंगे। ये हमारा थोड़ा थोड़ा गोल्डन हो गया है, अब इस स्टेज पे हम इसमें दरदरा किया हुआ अपना धनिया डालेंगे। एक मिनट के लिए इसको सेकेंगे। एक मिनट बाद हमने जो प्याज अपने पीसे थे बिल्कुल बारीक उसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। मसाला हमारा गोल्डन हो गया है और ऑयल भी छोड़ने लग गया है, अब इसमें हम डालेंगे अपने मसाले। थोड़ी सी हम सबसे पहले डालेंगे इसमें हींग, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी हम डालेंगे हल्दी, लाल मिर्ची, लाल मिर्ची इसमें अच्छी डलती है तभी स्वाद आता है, और 1 चम्मच इतना हम डालेंगे लगभग अमचूर। इसको मिक्स करेंगे और इसमें हम मिला देंगे आलू। आलू को हमने बहुत ही अच्छे से मैश किया है, ये बिल्कुल बारीक हमें मैश करना है। इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, प्याज इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, बिल्कुल बारीक हमें चाहिए होगा तभी इसमें स्वाद अच्छे से आएगा हमें। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे पुदीना थोड़ा सा क्रश करके, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, खाने में भी ये बहुत स्वाद लगता है। बस इसको मिक्स कर देंगे और गैस को कर देंगे हम बंद। इसको निकालेंगे एक प्लेट में, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए इसको रखेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर भी इसमें आया है, खुशबू भी इसमें बहुत अच्छी आ रही है, अब इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये हमारा पूरा बनके तैयार है। आटा हमारा सेट हो गया है और आलू का मसाला भी तैयार हो गया है। चलिए बनाते हैं कचौड़ी।
इसके लिए हम लेंगे एक छोटा सा पेड़ा इस तरीके से, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म पे आटा डस्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा बेलेंगे, ज्यादा नहीं बेलना है, बहुत थोड़ा सा इसको हमें बेलना है। एक चम्मच के जितना हमें मसाला लेना है, इसको छोटा सा बॉल बनाएंगे और इसमें फिल करेंगे, इसको चारों तरफ से अच्छे से पैक कर देंगे। इसको पैक हमें बहुत ही अच्छे से करना है ताकि ये फटे नहीं, और इसको इस तरह से रोल करके थोड़ा सा हाथ से दबाएंगे चारों तरफ से। इसको बेलने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस इस तरह से ये रेडी हो जाता है। बस इसी तरह से हम अपनी सारी कचौड़ियाँ तैयार करेंगे। अरे मैंने भर के तैयार कर लिए हैं, एकदम तैयार है। अब इसको हम तलते हैं। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे अपनी कचौड़ी। इसको हम मीडियम फ्लेम पे ही सेकेंगे। इसको एकदम से नहीं चलाना है, थोड़ा सा ही अपने आप ऊपर आने लगेगा, उसके बाद ही हम इसको छेड़ेंगे। एक बार में हम उतना ही डालेंगे जितनी कढ़ाई में आसानी से आएगी। मीडियम फ्लेम पे हमें इसको सेकना है। ये देखिए गोल्डन हो गई है, उसके बाद ही हमने इसको टर्न किया है। ये देखिए सारी हमारी तलकर तैयार हो गई है, इसमें बहुत ही सुंदर कलर आया है, दोनों साइड से ये अच्छे से गोल्डन हो गई है। ये देखिए बस इसी स्टेज पे हम इसको निकाल लेंगे अपनी सारी कचौड़ियों को। ये देखिए सारी हमने निकाल ली है, बस इसी तरह से तलकर हम सारी अपनी तैयार करेंगे। ये सारी हमारी बनकर तैयार हो गई है, इसी तरह से हम सारी तलेंगे। ये देखिए बहुत ही कुरकुरी बनी है, ये देखिए आराम से ये टूट रही है, बहुत ही क्रिस्पी। मसाला इसमें हमने अच्छे से भरा है, इसको मसाला हमें बहुत अच्छे से भरना होगा। इसको हम बिना चटनी के भी खा सकते हैं, इसमें कोई चटनी की जरूरत नहीं होती है। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल क्लिक करें। थैंक यू।